हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मैं आज आप लोगों के साथ वेज रेसिपी लेकर आई हूँ, जो खाने में जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी है, और इसको मैंने कम से कम इंग्रेडिएंट से बनाने की कोशिश की है। तो मुझे आशा है आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम्स ड्रम स्टिक, जिसको हम सजना भी बोलते हैं। इसको मैंने अच्छे से छील कर और इस तरह से पीस पीस करके धोकर काट कर रेडी किया है। और यहाँ पर मैंने 3 आलू को भी छील कर अच्छे से काट दिया है, इसे लंबे लंबे इस तरह से काट दिया है। यहाँ पर मैंने लिया है ब्लैक मस्टर्ड सीड्स और यहाँ पे येलो मस्टर्ड सीड्स, और मैंने यहाँ पे 4 चिलीज लिए है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 2 टमाटर का प्योरी, और यहाँ पे 2 प्याज को मैंने चॉप करके रखा है, और यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ पे लिया है। अब मैंने मिक्सर जार में मस्टर्ड सीड्स और जो मिर्च है उसे अच्छे से पीस लिया और पेस्ट करके रख दिया। उसके बाद मैंने कढ़ाई में 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल को लिया और इसे अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ दिया। और ये अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी, और इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, और उसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने डाला है यहाँ पर सॉल्ट, और दोनों को अच्छे से मिक्स करके मैंने इसे थोड़ी देर के लिए भून लिया है। तो जब हम इसमें नमक डालकर भूनते हैं ना, तो थोड़ा सा क्रंची भी हो जाता है और नमक अच्छे से अंदर तक घुस जाता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो ड्रम स्टिक्स थे उसको भी डाल दिया, और दोनों को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है। तो देखिए, हल्का सा ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है। तो इसको फ्राई करने से इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट बढ़ता है, तो ऐसे करके आप बनाने की कोशिश कीजिए। तो इसी तरह से फिर मैं उसी कढ़ाई में थोड़ा सा मैं फिर 1 टेबलस्पून जैसे मैंने ऑयल को ऐड कर दिया, और यहाँ पर मैंने लिया है कलौंजी, और यहाँ पे डाला है मैंने मस्टर्ड सीड्स, और जो प्याज चॉप किया था ना उसको डालकर हम थोड़ी देर के लिए इसे भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग भी भून लीजिएगा। और इसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी मैं इसी के साथ फ्राई कर लूँगी। तो हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी जो मैंने पेस्ट तैयार किया था ना मस्टर्ड और मिर्च का, तो उस पेस्ट को मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और इसके साथ साथ यहाँ पर टमाटो प्यूरी को भी मैंने डाल दिया है, और सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, और इसके बाद हम इसे अच्छे से भून लेंगे। हमें हमेशा जो मसाला है उसे बहुत अच्छे से भूनना है। और मैं इसमें ऐड करूंगी फिर से 1 टेबलस्पून डाल दिया हल्दी, और मैंने डाला है 1.5 टेबलस्पून मैंने डाला है यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ताकि कलर बहुत अच्छा आए, है ना। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप और जो है मिर्च ऐड कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून सॉल्ट भी डाल दिया है, और वैसे तो पहले ही मैंने मिर्च जैसे कि मैंने पीस लिया था पहले, है ना, तो ज़्यादा तीखा भी हो सकता है, इसलिए आप देखकर ही मिर्च डालिएगा। इसके बाद देखिए, हमारे मसाला में मैंने डाल दिया है 1/2 कप जैसा पानी, और इस मसाले को मैं अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी, है ना। इसको आप अच्छे से चला लीजिए ताकि मतलब ये अच्छे से पक जाए और चिपके भी ना, है ना। अगर ये चिपक जाता है तो, है ना, जला हुआ जो मतलब खाने में जो गंध आता है ना वो बहुत ही गंदा लगता है। तो इससे अच्छा है हम इसको जलने ना दें और बीच बीच में चलाते रहे, और जब तक ये तेल नहीं छोड़ता है ना तब तक इसे पका ले। तो हमारा मसाला बहुत अच्छे से पक गया था, तो मैंने यहाँ पर 2 कप्स हॉट जो वाटर है ना पानी को ऐड कर दिया। उसमें थोड़ा सा उबाल आने पर मैंने यहाँ पर जो मैंने फ्राई करके रखा था ड्रम स्टिक और आलू को, इसको मैंने डाल दिया, और डाल के इसको मैंने अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स कर दिया है फ्रेंड्स। और अब मैं इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए पका लूँगी, है ना, और बीच बीच में आपको चलाते भी रहना है ताकि ये ना चिपके। तो देखिए, अच्छे से ये कुक हो रहा है यहाँ पर,
और 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि ये अच्छे से पका है या नहीं, है ना। तो चलिए हम इसे चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा इसका कलर भी आया है, और मैं इसको चेक कर रही हूँ यहाँ पर। और ग्रेवी भी हमारा थोड़ा सा ना सूख चुका है, और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुका है जैसे कि आप देख सकते हो। और बहुत ही ये स्वादिष्ट दिख रहा है और यम्मी लग रहा है, तो मैं इसे परोस देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितना बढ़िया सा हमारा ये ड्रमस्टिक करी विद पोटैटो यानी आलू के साथ मैंने बनाया है। और देखिए, अगर आपको ज़्यादा मतलब कि ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा सा और पानी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा थिन वाला ग्रेवी होता है ना, लेकिन मुझे थिक वाला चाहिए तो मैंने थोड़ा सा थिक ही रखा। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसका कलर कितना बढ़िया आया है, और खाने में बहुत ही हेल्दी होता है। इससे मूंछ के दर्द से राहत मिलती है, डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत गुणकारी है, इम्यूनिटी को भी ये मजबूत करता है, और कब्ज की समस्या से भी आपको छुटकारा देता है। तो है ना बहुत ही फायदेमंद। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।